जिन्ने बैठे अपने मन में भरम रहिंदे और जिहदे मन में भरम है साध संगत तो उन्हों डर भी लगता है जे मैं इस तरह किया मेरे बच्चों का की बनेगा जे मैं आह किया बाद में परिवार का की होएगा जिहदे अंदर भरम ते भय है वह शहीद का दर्जा नहीं ले सकेगा। हाँ सिख होना अलग गल है पर शहीद होने लई भय ते भरम तो मुक्त होना चाहिए जिहदे अंदर भय है भरम है वह शहीद की डिग्री नहीं ले सकता। एक एग्जाम्पल तुहाडे समक्ष रखा जिन्हें भी शहीद होए ने उन्हें अपने परिवार अपने बच्चों की इस गल की परवाह नहीं की बाद विच की बनेगा। तुसीं वेखोगे दरबार साहब की बेअदबी का बदला लैण तो बाद जिहड़े बंदे फांसी ते लटकाए गए जिहड़े जेलां विच रहे उन्होंने परिवार बारे कदे वेख्यो एक वार भी चित विच फुरना नहीं आया मेरे मरण तो बाद मेरे बुढ़े माँ प्यो का की बनेगा। असी अपने परिवार बारे अपने बच्चों बारे अपने माँ प्यो बारे सोचीद शहीद वो डिग्री है जिथे कोई भरम ते भय नहीं। उन्होंने घर विच भी बजुर्ग माँ प्यो सी इथों तक एक शहीद वह भी होए जिदी अजे अंगेजमेंट साध संगत मंगनी होई हुई सी अजे रिश्ता तय होया शादी नहीं। जदों उन्हों फांसी की सज़ा हो गई उदों दोवें परिवारों ने सलाह करके वह बच्ची नूं उस बीबी नूं कहा बेटा जिहदे नाल तेरा रिश्ता होया सी उन्हों हकूमत वालों फांसी की सज़ा होई है। इंज कर दो परिवारों ने सलाह की है असी तेरी शादी तेरा विआह तेरा आनंद कारज किते होर कर दिंदे आ दोवें परिवारों की सलाह नाल यह रिश्ता इत्थे खत्म कर दिता जाएगा हुण तेरा रिश्ता विआह शादी आनंद किते होर बढ़ाया जाएगा तेरा आनंद कारज किते होर होवेगा। साध संगत किन्ना सबर होएगा उस बीबी दे अंदर किन्नी दृढ़ता होएगी। उन्हें हाथ जोड़ के दोवें परिवारों नूं अपने पेकियां नूं और सहुरियां नूं इक्को गल कही जदों मेरी मंगणी मेरा सगन पे है उदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च अरदास होई सी सानू दोवें नूं बिठा के गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में सगन पे है फिर की होया मेरे घर वाला शहीद हो रहा है। मैं एक शहीद की पत्नी अखवावांगी पर मैं उहदा रिश्ता तोड़ के विआह किते होर नहीं करावांगी। किन्ना वड्डा सिदक है इत्थे साध संगत लोग विआह कराउण तो बाद रिश्ते तोड़ लैंदे ने सिर्फ अजे सगन पे है रिश्ता पक्का होया है। दोवें परिवारां कहा अजे पहाड़ जिड्डी उम्र है बेटा किवें गुजारेंगी। उन्हें कहा मैं गुरु की बाणी के आसरे उम्र गुजार लाँगी मैं गुरु के शब्द के आसरे उम्र गुजार लाँगी मैं गुरु की दित्ती बाणी ते बाणे के आसरे उम्र गुजारांगी मैं अपने पति नाल कीता रिश्ता नहीं तोड़ांगी। उन्हें कहा शायद भावुक होकर कह रही है उन्हें समझाने लई ना दोवें परिवार तिहाड़ जेल में लै गए जिन्हों सज़ा हुई है तुहाडियां कि लामा हो गई कह दे अपनी जबान तो कि मैं तेनों अपने रिश्ते तो आजाद किया अजे पहाड़ जिड्डी उम्र है अपनी शादी विआह किते होर करवा ला इदां रिहा नहीं जांदा इदां माँ प्यो दे सिर ते भी भार रहिंदा। उह शहीद ने जेल विच खलोतिआं सलाखां पिछे गए अपनी उस रिश्ता पक्का होया पत्नी नूं सुरिंदर कौरे मैं तेनों अपने रिश्ते तो आजाद करदा। माँ प्यो का कहना मन किसी होर जगह ते तेरी शादी विआह आनंद कारज हो जाणगे इन्नी लंबी उम्र किवें गुजारेंगी जा मैं तेनों अपने रिश्ते तो आजाद किया। साध संगत अखां भर के सलाखां पिछे खड़े अपने पत्नी नूं माई कहिंदी है उस बीबी ने कहा सिर दिया साइया मैनू अपने रिश्ते तो आजाद ना कर बेशक हस के धर्म कौम की खातर फांसी चढ़ जा मैं एक शहीद की पत्नी अखवावगी पर मैं तेरा रिश्ता छड़ के किते होर विआह नहीं कवावगी। साध संगत जदों उहदी दृढ़ता वेखी दोवें परिवार परिवारों ने उहदियां लामां फोटो नाल करवाइया माफ करियो ये गुरमत विच इस तरह की मर्यादा भी पंथ नूं कायम करनी पई जदों अत जरूरत पई जेल विचों भावें उहनूं छड्डिया नहीं
पर उहदी फोटो नाल चार लामा लैके उन्हें आनंद घर की मर्यादा पूरी की। अज याद रखियो जिथे लोग उस शहीद नूं चेते करदे ने उत्थे उहदे घर वाली धर्म पत्नी सुरिंदर कौर की भी नाल याद मनाई जाती है। दुनिया में इन्नी दृढ़ता इन्ना विश्वास ये गुरु के शब्द तो बगैर सिदक नहीं आता। शहीद की निशानी है जिहदे अंदर सिदक पक गया। भाई गुरदास साहिब कहिंदे मुरदा होए मुरीद ना गली होवना साबर सिदक शहीद भरम पौ खोवना। पातशाह भरम ते पौ किवें दूर हुंदे कहिंदे जिहड़े गुरु अगे अरदास करन अपनी सियाणप छड्डन आस इक ते रखन रोज़ अकाल पुरख का कीदा लैके नाम जपन उहदे मन विचों भय ते भरम दूर हो जांदा। जिहड़ा थां थां ते भट के उहदा भरम की दूर होना है। इत्थे अपने मन विच माफ करियो झात मारियो माड़ा जिहा कम बिगड़ जाए ना सानू भरम पैंदा वी खबरिया किसी ने कुछ कर दिता है, खबरिया गुआंढी ने कुछ कर दिता है, खबरिया फलाने ने कुछ कर दिता है। असी इन्ने भरम विच माफ करियो ये तां दुकान ते निंबू मिर्चा ना टंगियां होण तां भरम पै जांदा वी ग्राहक नहीं आउणा कोई। मन दे अंदर विश्वास चाहीदा रब उत्ते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा नानक चिंता मत करो चिंता तेसी हे जल मैं जन तो पायन तिना पी रोजी दे। उत्थे हट ना चले ना को किरस करे। एक चीज़ समझो तुसी लुधियाने जाते रहते हो एक बाजार उत्थे बढ़िया होया जिन्हों कलॉक टावर के सामने चौड़ा बाजार कहिंदे। मैं कई बार उदाहरण देना उन्हां 352 दुकाना इक्को ही लाइन में इक्को आइटम दियां ने होर कोई आइटम नहीं विकदी। एक नंबर तो लैके 352 दुकान जड़ियां ने 352 दुकाना इक्को ही आइटम सिर्फ कपड़ा विकदा रेडीमेड कपड़ा ते दूजा कपड़ा विकदा। सज्जनों मन च विचार करियो कोई ग्राहक खरीदण आ जाए एक दुकान दो दुकाना चार दुकाना दस दुकाना 20-25 दुकाना ते जांदे उहनूं पसंद आ जाणा। जे 25-30-50 दुकाना ते जांदिआं कपड़ा पसंद आ जाए इहदा मतलब पिछलियां 325 दुकाना वाले भुखे मर जाणगे। जे 300 दुकान कोई घूम ले पिछलियां 52 दुकाना वालिआं नूं रोटी नहीं मिलेगी। 352 नंबर ते अखीर ते वी जिहदी दुकान है याद रखियो उह वी रज के खांदा है। उस दुकान तो उन्हीं भी कारां ते कोठियां बना के करोड़ां पति होए ने। पता क्यों? देण वाले दाते ने रोजी पहलां रखी हुई है। ये विश्वास अंदर आना चाहिए। पातशाह कहिंदे ने जे तू सिदक ग्रहण करना सिदक तो बाद सिदक पक्का हो जाए फिर कोई शहीद की डिग्री लैंदा इस तों पहलां शहीद नहीं कोई हो सकता। पातशाह फिर ये वास्ते की करना पैणा? हजूर कहिंदे उहदी पढ़ाई ये है वो रोज़ विश्वास नाल पढ़े तजो सियाणप सुरजनो। पढ़ो एक बार तजो सियाणप सुरजन सिमरो हर हर राए एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाए। ना पौ ना भरम दोवें चीज़ां मिट जांदियां जे कोई सियाणप छड के एक ते आस रख के जपे। शहीद की डिग्री है वह सिदक विच पक्का हो जांदा है। शहीद की डिग्री है वह सबर विच पक्का हो गया। एक चीज़ होर नोट करियो फिर आपां इतिहास नाल जुड़ा। पातशाह ने बाणी अंदर पंछियों की उदाहरण दिती। हजूर कहिंदे ने भाई ओ पंछियों तो बलिहार जाइए जिहड़े पंछी चूरी दे लालच विच पिंजरे च नहीं पए। देखो साध संगत एक पंछी वो है जिन्हां नूं शिकारी फड़न आउंदा उहनें घिओ विच रला के चूरी पा दित्ती। जदों पंछी उहनूं खाण वास्ते उतरे उहने जाल खिच के उहनां नूं पिंजरे च बंद कर लिया। वह जाल विच पिंजरे च सदा लई गुलाम हो गए। चूरी दा लालच करन वाले पंछी पिंजरे दे गुलाम हो गए। एक वह पंछी सी जिन्हां ने शिकारी की चूरी का लालच नहीं किया। जंगल विच रह के कंकर तो खा ले पर पिंजरे की गुलामी नहीं उन्होंने धारण की। वह आजाद टाणियों उत्ते बलिहार घूमते रहे जंगल विच आजाद उड़ते रहे। और पातशाह की बाणी ने कहा बलिहार उन्होंने पंछियों तो जिन्होंने सजणों कंकर खा के
गुजारा तो कर लिया, रब का साथ नहीं छड़िया, वो गुलाम नहीं हुए पिंजरे दे, आजाद उड़ते रहे। इदा पातशाह कहने शहीद वो है जिदे अंदर सबर इन्ना पक्का हो गया, उन्हों दुनिया का कोई लालच नहीं डुला सकता, उन्हों दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। पातशाह ने बचन कहे फरीदा हो बलिहारी तीन पंखियां, पढ़ो सारे पंछियों तो नहीं कहा, तीन पंखियां, उन्हां पंछियों तो जिहड़े गुलाम नहीं होए, क्यों नहीं होए, चोरी का लालच नहीं किया। अब पढ़ो हो बलिहारी तीन पंखियां जंगल जना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। भाई वो पिंजरे च गुलाम नहीं होए क्योंकि चोरी का लालच नहीं किया। जेड़ा बंदा लालच कर ले वो गुलाम हो जाता है। ना शहीद किसे दा गुलाम हुंदा है, ना संत किसे दा गुलाम हुंदा है। संत और शहीद की कैटागरी है वो सबर ते सिदक विच रहिंदे ने। सबर अंदर साबरी तन्ने वै जालेन होण नजी को खुदाए दे भेत न किसे देन, पर शब्द की बरकत तो बगैर सबर नहीं आएगा। पातशाह ने बाणी अंदर कहा नाम बिना सब जग बोरन। तुसी दुनिया च नज़र मार रहे हो करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद लोग बावरे हो गए ने। मैं बड़े बड़े अरबांपति बंदे उच्च कोटि के राजनीतिक लीडर अंत वेले पागल होकर मरते वेखे ने। सा संगत रब के नाम तो बगैर बंदा बावरा है, करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद भी वो गलों कलेश नहीं उतरदा। एक रब का नाम है जिहड़ा बंदे नूं पागल होने तो बचाउंदा, एक रब का नाम है जिहड़ा दुनिया च गुआचण तो बचाउंदा। हर के नाम बिना रब के नाम तो बगैर पातशाह ने कहा झूठे सगल पसारे। नाम बिना सब जग बौरन, रब के नाम तो बगैर दुनिया बौरी हो गई। अज तुसी तां मेरे नालों वध चैनल वेखते रहिंदे हो, तुहानूं खबरां ने 35% लोग डिप्रैशन के मरीज ने पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आउण वाले 10 सालों में इहदे अंकड़े विज्ञान दस रही है 65% लोग पागल होणगे। और साध संगत सब तो वड्डा दुनिया का पागलखाना जी USA विच बनिया होया है, अमेरिका विच बनिया होया है, जिथे हर साल हज़ारों की तादाद विच लोग पागल होंदे ने। उहदा रीज़न कारण की है, सब कुछ होने के बावजूद बंदा दुनिया विच कुटन महसूस कर रहा है। एक रब का नाम है जिहड़ा बंदे की सुरती नूं याद कराउंदा है, कदों जदों नाम जपदा उहदे अंदर एक चीज़ सबर आ जाती, जो कर रहा रब कर रहा, जिन्हें हुण तक पालिया अगे भी पालेगा, जिन्हें अज तक दिता है वह कल भी देगा। कवि संतोख सिंह चूड़ामणि जिन्होंने एक ग्रंथ लिखे सिख कौम में सब तो वड्डा जे काव्य रूप में पुरातन इतिहासक ग्रंथ है वह कवि संतोख सिंह जी का, भाषा विभाग ने छापिया 14 पोथियां ने उहदियां। वह कहिंदे ने जदों मैं ये ग्रंथ लिख रहा सी ना एकांत एक इलाके विच चला गया, उस इलाके चों मैं रोज़ जदों दुपहरे दा नीम बन्निया सी सवेरे जाना लिखण वास्ते, रस्ते विच एक छोटा जिहा होटल पैंदा सी, उह बंदे ने सादा जिहा ढाबा बनाया, कन्नियां दी छन पाई है, लोग उहदे कोल चाह पीण आउंदे सन ते नाल इक अद्धी उह मठी रस बना के दिंदा सी। कहिंदे मेरा भी नियम बन गया, जदों मैं सवेरे एकांत विच नदी दे कंढे ग्रंथ लिखण जाणा, रस्ते विचों छन वाले बंदे कोल चाह पीणी, उहदे कोलों एक दो मठियां लैके चाह नाल खाणियां, उहदी चाह बड़ी सवाद सी, लोग दूरों आउंदे सन, लोग उहदे कोल बह के होर आले दुआले दीआं खबरां लैंदे सी, मैं भी रोज़ चाह पीण दा आदि हो गया। कहिंदा एक दिन जदों मैं उहदे कोलों चाह पी के उस होटल तों तुरन लगा, इन्ने नूं एक भिखारी बंदा आ गया, उहदा लिबास पुराना जिहा फटिया जिहा मैले कपड़े, उहने मेरे अगे हथ अड के कहा मैं कोट पेंट पाया होया, क्योंकि कवि संतोख सिंह जी कोलों जिहड़ा ग्रंथ लिखवाया वह 90 ते पटियाले दे राजियां ने लिखवाया, सारी सहूलत उहनां दित्ती होई सी। जदों कवि लिखदा कहिंदा मेरे मोहरे हथ कीता आ के भिखारी ने, हथ अड के कहा सरदार जी, इदा हथ अगे कीता सरदार जी, कहते उन्हें पैसों की मंग नहीं की, मैं अपनी जेब विचों उस वक्त 4 अन्ने अहमद रखते सन,
कहने चार आने अहमियत रखते सी, मैं ओदी तली उत्ते चार आने रख दिते। मैं ओदे वल वेखण लग पिया, उन्हें जाके वह चार आने चाह वाले नूं दिते। उन्हें दो मठियां एक चाह का गिलास लिया, मेरे वेंद्या वेंद्या उन्हें चाह पीती, वो दो मठियां नाल खादियां। जिहड़े पैसे होटल वाले ने वापस किए ना, उन्हें वह चार आनिया चो दो आने की चाह ते मठियां ले लईयां, दो आने खिलार के सुट दिते। कह लगा मेरे मन सवाल आया ने, पैसे सुट क्यों दिते ने? इनू कलू भी भुख लगनी सी, रख लेंदा। पर इस तो पहला कि मैं उन्होंने कुछ पुछा, वह भिखारी दूर जा चुका सी। कवि संतोख सिंह लिखते, मैं लिखण वास्ते एकांत नदी के कंढे चला गया, अज सारा दिन मन ना लगा, सोचता रहा वो मना वो भिखारी ने पैसे क्यों सुट्टे ने। वो भिखारी नूं पैसे नहीं सी सुटने चाहिए, उन्हें गलत किया, उन्हें पैसे की नरादरी की। कई सवाल मेरे मन च आए, देण वाले की नरादरी की है, पैसे की नरादरी की है। अगला दिन आ गया, कहने मैं उत्थे बह के चाह पी रहा सी, उड़ीक कर रहे हैं, अज भी भिखारी आ गए, अज उन्हूं पुछना है। अगले दिन वो सचमुच भिखारी आ गया, कहने उन्हें मेरे अगे हथ किते, मैं पैसे पहले तैयार रखे सी, अपने कोट के जेब चों उन्हूं अठ आने कढ के उहदे हथ ते रखे। अज मैं वेख रहा सी जे ने पैसे सुट्टे ना, मैनू मां तो पकड़ लेना। कहिंदे उन्हें उस तरह जाके वह होटल वाले कोलों अठ आने दे के चाह ते मठियां मंगियां। उन्हें दो आने की उन्होंने चाह ते मठी दे दित्ती, बचते छे आने भिखारी के हथ ते रखे। मैं तैयार बैठा सी, भिखारी ने उही कम किया, वह छे दे छे आने मंगा के सुट दिते। जदों ने पैसे सुट्टे, कहिंदे मैं जाके उन्हें गुट तो पकड़ लिया। मैंने कहा तू अजीब भिखारी है बई, तैनू कल पैसे दिते दो आने खर्च के दो सुट दिते, अज अठ आने दिते तू दो खर्च के छे सुट दिते। इन्हों अठ आनिया ना तेरे चार दिन लंघने सी, पैसे सुट क्यों दिने? तैनू पैसे की कदर नहीं है? तैनू मैं पैसे दिते ने, तू पैसे की नरादरी करना? तैनू दो पैसे की अज भुख सी, तू दो आने खा के छे दिन बचा लेंदा, ये चार दिन होर लंघने सी, पैसे क्यों सुट्टे ने? कहिंदे मैं तां रोब नाल पुछ रहा सी, पर जिहड़ी गल मूँह ते भिखारी ने कही, मैनू भिखारी दे सामने मैं उहदा हथ छड्डिया, ऐ महसूस होया वो कवि संतोख सिंह तू महंगा कोट पेंट बूट पाया, तू राजियां दा कवि अखवाने, इन्ना वड्डा विद्वान अखवाने। कहिंदे जिहड़ी गल भिखारी ने कही, मैनू ऐ प्रतीत होया भिखारी ए नहीं भिखारी मैं। वह भिखारी पता की बोलिया, उन्हें कहा सरदार जी हथ छड्डो, तुसीं कहिंदे हो मैं दो आने सुट दिते अज छे सुट दिते। कह लगे सरदार जी तुहाडा रब मरिया हुण, मेरा रब जिउंदा, जिन्हें मैनू कल दिता उन्हें अज भी दिता, जिन्हें अज दिता उन्हें कल भी देना। मैं किसी बंदे का गुलाम नहीं, मैं रब का गुलाम है, मैनू रब की परवाह। तुहाडा रब मरिया हुण, मेरा रब जिउंदा, तू तो दो दिन होए ने दिता, जिहड़ा इन्ने सालों तो दे रहा मैं उन्होंने किवें भुल जा। कहिंदे ऐ लगा जिवें मैं भिखारी होवां। ओए ए बंदे नूं रब ते इन्ना विश्वास, मेरे कोल सब कुछ हुंदिया ऐ लगा मेरे कोल कुछ भी नहीं। साध संगत ये सच है, जिन्हां नूं विश्वास हुंदा उह सबर विच पक्के हुंदे ने। संत ते शहीद उन्हां दे अंदर पक्का विश्वास हो जांदा, शब्द तों बगैर सिदक नहीं पक्का होएगा। अज जिन्हां दी याद विच बैठे हो, अमृतसर साहब माझे दी धरती पिंड पौ पिंड, उस धरती ते माता जीवनी जी दी पावन कुख तों धन बाबा भाई भगता जी दे घर शहीद बाबा दीप सिंह जीआं दा 1682 ईस्वी नूं जन्म हुंदा। साध संगत वह माँ जीवनी ते पिता भगता कोई आम बंदे नहीं, जिहड़ी माँ ने इस इहो जिहे योधे नूं जन्म दित्ता है, वो रोज़ गुरु अगे अरदासां करदी है, हे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, हे धन गुरु कलगीधर दशमेश पिता, किरपा बख्शिश करो, मेरे बच्चे कोलों पंथ की कोई सेवा लियो, मेरे बच्चे की सुरत शब्द नाल जोड़ियो। उन्हें बचपन तो जन्म तो जदों तो उस माँ ने जन्म दिता, दुध पिलाउंदिआं गुरु के शब्द का जाप किया, हर रोज़ जबान तो आसीस दिंदी है, पूता माता की आसीस, निमख ना विसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। शब्द की बरकत माँ की इन्नी कमाई है,
मां की कमाई करके पुत कोल भी वह कमाई जमा हो गई। एक चीज समझो, मां प्यो की कीती कमाई पुत दे कम आउंदी है। तुसी पैसा कमाउंदे हो तुहाडे पुत्तां धीआं दे कम आउणा है। जमीन जायदाद बनाई है बंदा कहिंदा पुत धीआं लई बनाई है। मां इत्थों तक कह दिंदी माफ करियो, कोल कुछ भी ना होवे मां नूं 1500-2000 पेंशन मिलदी होवे उह वी लिया के पुत्तां दे हत्थ ते रख दिंदी है। सब कुछ बाहरी पैसे की कमाई मां प्यो की पुत्तां की है, ते चेते रखियो बंदगी की कोई कमाई करे जे मां चाहे तो मां की असीस पुत नूं लग जाती है। एक बेनती मैं जरूर करांगा, तुहाडी जायदाद दो पुत्तां विच बराबर वंडी जा सकती है। किसी के दो पुत ने तीन पुत ने बंदा कहना जिनी जायदाद है बराबर देती, पैसा बराबर दिता जा सकता है। तुसी अपने बच्चों नूं कपड़े कुछ खरीद के दे सकते हो, अपने बच्चों नूं पैसा जायदाद कुछ ही दे सकते हो, घर कोठियां इको जिहियां बना के दे सकते हो, पर याद रखियो भाग इको जिहे नहीं, हर एक दे भाग वक्रे वक्रे ने। लेख ना मिटई हे सकी जो लिखिया करतार, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने कहा मां की असीस पुत नूं लग जाती है। होर किसी असीस का जिक्र नहीं है बाणी अंदर, एक किते नहीं लिखिया मामिया मासियां की असीस लगती है, भूआ चाची ताया की असीस लगती, नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कहा मां की असीस लगती है। बाकी तो तुहानू बारों बारों कहिंदे ने पुत जिउंदा रह, अंदरों पता नहीं की कुछ चलता है। ये तो एक मां की असीस है जिहड़ी तुर हिरदे तो पुत किन्ना भी माड़ा होवे मां अपने पुत नूं कदे दुर असीस नहीं दिंदी। मां जदों देगी असीस देगी, मां अपने पुत नूं कदे दुर असीस नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा पुत्ता माता की आसीस निमक ना विसरो, हर हर तुमको सदा भजो जगदीश। जिन्हों अलैगजेंडर कहिंदे ने ना सिकंदर बादशाह, उन्हें दुनिया नूं जित्या। जिदन हिंदुस्तान तो गया ना, उन्हें खबर मिली ईरान जांदिआं उहदी मां मर गई है, ताहां मार के रोया। उन्हें बलोचिस्तान लंघन लगा, छोटे जिहा कस्बा सी उत्थों हार गया। तुर्कमनिस्तान लंघन लगा हार गया। किसी ने कहा एड्डा वड्डा बादशाह यूरोप ईरान जितने वाला, यूरोप जितने वाला, अज छोटिया छोटिया स्टेटा तो हारन लग पे है, सिकंदर बादशाह तेनों की हो गया है। उन्हें कहा सज्जनों इको गल मैनू महसूस होंदी है, जिन्नी देर मां की असीस मेरे नाल सी सिकंदर दुनिया नूं जितता जांदा सी, अज मां चली गई है, सिकंदर की हार दे दिन शुरू हो गए ने। ये चेते रखियो, कई बार घर में मां की बरकत होंदी है, बंदे की चढ़ाई होंदी जाती है। मां मुक जाए सज्जनों हार दे दिन शुरू हो जाते हैं। सिकंदर ने कहा मैनू ऐं प्रतीत होंदा है जिन्नी देर मां जिउंदी सी उहदियां असीसां नाल मैं दुनिया जितता रहा, जिद्दण दी मां चली गई है मेरे हार दे दिन शुरू हो गए ने। इस वियोग विच उह बंदा ईरान जांदिआं यूनान जांदिआं रस्ते विच बीमार पै गया, मच्छर लड़िया, मलेरिए नाले मर गया। सात संगत ये दुनिया विच मां दी असीस लगदी, धन माता जीवनी जी दी असीस है। मेरा पुत दीपा दुनिया विच अपना नाम बनावे, मेरे पुत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च इहनूं असीस मिले। सात संगत 1682 तो लैके अपने बच्चे नूं लैके हरेक साल आनंदपुर साहिब आउंदे ने। कलगीधर पातशाह पौंटा साहब ने तमी आनंदपुर साहब आते रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब नहीं, तमी आनंदपुर साहब आके सेवा करनी। अज पता लगा 1699 ईस्वी की विसाखी आई, उस वक्त बाबा दीप सिंह जी की उम्र 17 साल की सी। इस तो पहला कि वह विसाखी के पुरब ते पहुंचन अमृत संचार हो चुका सी, मन के अंदर इच्छा जागी 1700 ईस्वी की विसाखी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह दे हत्थों सात संगत जिथे माता जीवनी ने अमृतपान किया, जिथे भाई भगते ने भाई भगत सिंह बनिया, उत्थे अपने 18 साल के पुत भाई दीपे नूं खंडे वाटे की पौल छका के भाई दीप सिंह बनाया। सात संगत कदे महसूस करियो, बाबा दीप सिंह कोई आम हस्ती नहीं है। जिन्हां नूं खंडे वाटे की पौल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने हत्थी छकाई होवे, अमृत तैयार किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जथेदार पंज प्यारियां च लगे होण,
चुला भर के बाबा दीप सिंह नूं खुद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने छकाया। पंज चुले भर के किस्सां विच खुद गुरु कलगीधर पातशाह ने पाए ने। आम शरीर नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो खंडे वाटे की पॉलिश की जदों पंज चुले सीस विच पाए ना, उदों मां ने ते प्यो ने मंगया पता की, हाथ जोड़ के कोई अरदास की, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज असी अखी वेख्या साडे पुत दे सीस वे तुसी अमृत दे चुले पाए ने, अज मां ते प्यो की कोई अरदास है साडे इस पुत दा सीस किते लिखे विच लगदा है। सात संगत, दो दिन सिख की जिंदगी च ऐसे आउंदे ने जो मंग लोंगे गुरु नूं देना पैंदा है। एक दिन वो है जिदन बच्चे ते बच्ची दा आनंद कारज हुंदा है, उदन उचेचे तौर पर लावा दोवां बच्चों लिए पढ़िया जांदियां किसे लिए नहीं, उस दिन जो वह बच्चा ते बच्ची जिहदियां लावां आनंद कारज होए ने भावना नाल चित्त विच जो मंग लैण गुरु नूं अनकंडीशनल देना पैंदा है। इहदा मैं छेवें पातशाह वेले ड्रौली भाई का इतिहास है, बिना मंगिया पातशाह ने दिता है। अगली गल, दूजा दिन जिदन सिख खंडे वाटे की पौल छकद, सतगुर कै जन्म है गवन मिटाया, उदन अमृत छकन वाला जो मन में धार लै उन्हू गुरु झोली में पा दिता है। कोल होके 18 साल के पुत नू माता जी उन्हीं कहती है, पुत अज तू गुरु गोबिंद सिंह का पुत्र बनया, अज पुत इको चीज मंगी जेड़े सीस में कलगीधर पातशाह ने अमृत के चुले पाए ने, तेरा सीस किते लिखे विच लग जाए। सात संगत, अज अमृत छक के कोई मंगया सीस लिखे विच लग जाए और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की नज़र शुरू हो गई, भाई दीपे तो भाई दीप सिंह बन गए। कलगीधर पातशाह 1704 ईस्वी नूं 4 साल बाद दमदमा साहब पहुँच जाते हैं और बाबा दीप सिंह माझे तो सिखा का जथा लैके लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो नहीं, उस जगह पर दमदमा साहब पहुँचे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सेवा लाई, कहने भाई दीप सिंह जी पढ़ाई लिखनी पढ़नी आती है? कहने हाँ महाराज तुहाडी कृपा नाल लिख लई दे। कहने फिर एक कृपा करो, जिन्नी देर गुरु ग्रंथ साहब के सरूप असी भाई मनी सिंह जी तो लिखवा रहे हैं इन्हां नूं कलमा घड़ के दिया करो। कलमा घड़न ते स्याही तैयार करन दी सेवा बाबा दीप सिंह जी दी। सात संगत, फिर पातशाह ने सेवा लाई, हुण तुहानूं लिखना आ गया, जिवें जिवें भाई मनी सिंह जी ने लिखे है कला कला सिख गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का उतारा करो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के 4 सरूप उतारे हुए दमदमा साहब। एक आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब का पावन सरूप सचखंड श्री हरिमंदर साहब पातशाह ने भाई मनी सिंह जी नूं देख के कल्या। एक आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप बाबा दीप सिंह जी नूं देख के कहा तुसीं इस जगह पर रहना है। एक पावन सरूप पातशाह अपने नाल लैके गए नदेड़ साहब। और सात संगत, जदों बाबा दीप सिंह नूं गुरु ग्रंथ साहब का ग्रंथी थप्पिया उदन भाई दीप सिंह तो नाम सिखां विच प्रचलित होया। बाबा दीप सिंह हुण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिखण की सेवा भी की और गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश की सेवा भी की, बाणी पढ़ाउणी ते संथ्या देनी। बाबा दीप सिंह जी नूं भाई दीप सिंह तो बाबा दीप सिंह कहण लग। सात संगत, जिहड़ी स्याही बची ना और कलमा बचियां, पातशाह तो पुछया महाराज ये स्याही का की करना है? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा फलानी जगह जिथे हजूर का स्थान है दमदमा साहब, कहिंदे इस सरोवर छपड़ी विच पा दिओ, इस धरती उत्ते गुरु दे सिख पैदा होणगे, दुनिया का ज्ञान लैण लई लोक कंछी जांदे ने, जाओ अज गुरु ग्रंथ साहब की लिखण वाली बाणी चो बची स्याही इस छपड़ी सरोवर च पा दिओ, ये गुरु की कंछी होएगी, इत्थों गुरु दे सिख ते विद्वान पैदा होणगे। वो स्याही उत्ते पाई, अज उहनूं गुरु की कंछी श्री दमदमा साहब कहिंदे ने। उस जगह पर बाबा दीप सिंह जी ने सैकड़े सिखां नूं बाणी की तालीम दित्ती, गुरमुखी पढ़नी सिखाई, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की संथ्या दित्ती। उत्थे रहिंदिआं एक दिन खबर मिली कि श्री अमृतसर साहब उत्ते जरवाणियां का कब्जा हो गया। बाबा दीप सिंह चल पए दमदमा साहब तो श्री तरन तारण साहब कोल पहुंचे।
उत्थे आके जुड़े सिखां नूं कहा भाई जिन्हें मेरे नाल तुरने वह शहीद होण दा पक्का इरादा करके तुरे हो, मेरे नाल जिन्हें जाने उन्हूं शहीद होना पैणा। अपने खंडे नाल लीक खिची अज उस जगह उत्ते गुरद्वारा लकीर साहब। जदों तुसीं तरन तारण साहब जाओ श्री अमृतसर साहब दे वल दे पासे वह गुरद्वारा लकीर साहब बनिया हुए, लकीर खिची सिख लकीरां टप के छाला मार के। क्यों? कला शब्द नहीं सी, अंदर गुरु की कृपा शब्द राही वस गए सी। जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कौन न कीजे। अंदर ये शब्द वस गया सी कि जिस प्यारे स्यों ने तिस अगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार तक पछे जीवना। शब्द कमाउण वालियां दे अंदर वस गया कि पहला मरण कबूल, पढ़ो पहला मरण जीवन की छड़े आस, हो सबना की रेण का तो आओ हमारे। छाला मार के जो दे टप गए लकीर नूं। और बाबा दीप सिंह जी 75 साल की उम्र है उस वक्त, ध्यान नाल सुनियो, 75 साल की उम्र है, साध संगत 18 सेर का खंडा चुकया हाथ में। मैंने एक सज्जन ने सवाल किया जी 18 सेर किन्ने किलो बनया। उस वक्त फिर मैं बाणी चो पढ़िया, क्यों बाणी विच भी सेर का जिक्र है, दोए सेर मंगो चूना पाओ घ्यो संघ लूना। महान कोश विच लिखे साध संगत चार पाइए का एक सेर बनता है, चार पाइए का एक सेर। उस वक्त पाइया जिहड़ा अज दा जिहड़ा किलोग्राम है, ये यूरोप तो आया अंग्रेजों तो बाद। उस वक्त किलो नहीं सी, छटंकां विच उदों लोक तोलियां विच रतियां विच मासियां विच इदां गिणती हुंदी सी। उस वक्त दा पाइया जिहड़ा चार पाइए दा एक सेर, अज जे उहनूं चार पाइए तोलीए तां एक किलो तो घट वजन बणदा है। साध संगत 18 सेर का खंडा 7.5 किलो 7 किलो के करीब अज उहदा वजन बनता है। 75 साल की उम्र 7 किलो का हाथ में खंडा पकड़ के मदाने जंग अंदर जूझन तुर पे। अज वह अमृतसर साहब की धरती जिथे गुरु के शब्द में जुड़े सुरमिया ने साध संगत तलवारां नाल अपनियां तकदीरां का फैसला करना सी। यह पता सी सीस किसी का भी वड्या जा सकता है, तलवारां नाल अपनियां तकदीरां दे फैसले करन तुर पए। शब्द दा आसरा अंदर गुरु की कृपा वरती है, पहला मरण कबूल वाली शक्ति है, ये पहला अंदर धार के तुरे ने। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरूं ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे पार। जदों श्री अमृतसर साहब पहुंचे ना कहिंदे ने ऐं प्रतीत होया जालमा क्या बुढ़े ने की लड़ना है, 75 साल की उम्र। सामने वाले कहिंदे ओ जथे की अगवाई कौन कर रहा बुढ़ा बंदा, इहनूं तां पहले झटके च मार देना है। गुरु के शब्द का आसरा लैके ललकार के कहो बुढ़ा ना समझो, मदाने जंग अंदर आखिरी सुआस तक लड़ांगा, मैं अपना सीस जे भेंट करांगा गुरु रामदास साहब के चरणों च भेंट करांगा। साध संगत एक गल याद रखियो, सबर ते सिदक वाले अरदास करके अपना समा भी बदल लेंदे ने, वो मौत नूं भी गुलाम बना लेंदे ने। जिन्हां दे अंदर सबर ते सिदक है वो मौत अपनी मर्जी नाल लिख लेंदे ने, भावें मरना रब दे हथ विच पहलां लिखिया होया। पहलां ये मरन लिखाए मंडल में आए, बाणी दा फरमान मरन लिखा के बंदा आउंदा है, जन्म तो मरन तक है। पर चेते रखियो सबर ते सिदक वाले मरन दा वक्त भी अपनी मर्जी ना बदल लें, इहदे विच कोई शक नहीं है। आ हुण ताजी घटना थोड़े साल पहलां वापरी है, एक बजुर्ग माई उहदे 18 घंटे की सेवा सी दरबार साहिब, सिर्फ वह 6 घंटे घर जाती है राती सुखासन तो बाद अमृत वेले 3 बजे तक। उहनूं पुछिया बजुर्ग माई नूं, उह कहिंदी जदों मैं अमृतसर व्याही आई ना मेरे घर वाला असी किराए ते रहिंदे सी, घर वाला कपड़िया की डग्गी ला के पिंड पिंड बेचदा सी सैकल ते,
कहनी मैं सवेरे उन्होंने रोटी बना के दोपहर वाली दे आनी, फिर दो चार छे घंटे दरबार साहब सेवा करनी। मैं सेवा करदिया मंगया गुरु रामदास महाराज किन्ने क साल घूम घूम के कपड़े बेच के गुजारा करांगे, किराए ते रहने हैं, तीन बच्चे ने, कृपा करो अपना घर दे दियो। कहते महाराज ने कृपा बख्शिश की, थोड़े बहुते पैसे जुड़े, थोड़ा लोन चुक लिया, कहते घर मिल गया। थोड़े साल बाद मैं फिर अरदास की, घर वाला हुण थक जांदा है, शरीर बजुर्ग हो गया, सानू बह के काम करन दी दुकान दे दियो। कहते जिहड़े मालक तो कपड़ा खरीदा सी ना, उन्हें कहा सरदार जी दुकान तो नहीं लैनी, मेरा वारदा बन गया, असी बच्चियां समेत बाहर चले हैं। कहते भाई साहब जी वो दुकान वड्डी कपड़े वाली सानू बेच के परिवार समेत आस्ट्रेलिया चला गया बंदा। दो चार साल लंघे, नाल दी दुकान भी असी होर किसी चीज़ की सी, वह खरीद ले मनियारी दी। कहनी वड्डा शोरूम बन गया, कोठी बन गई, बच्चे दुकान ते बहन लग पे। जदों कारां कोठियां शोरूम कपड़े का सब कुछ बन गया, कहनी बच्चे व्याह दिते आपो अपनियां कोठियां ने, तिना बच्चों का आपो अपना कारोबार है। हुण थोड़े साल होए ने, मेरे सिर दा साईं सरदार चला गया, उहदी उम्र पूरी हो गई, अकाल चलाना कर गया। कहिंदी हुण मैं मंगना बंद कर दिता, हुण मैं घर लई नहीं कुछ मंगदी, हुण मैं बच्चियां लई नहीं कुछ मंगदी, मेरे घर बच्चियां लई गुरु रामदास साहिब ने सब कुछ देता है, हुण मेरी कोई अरदास हुंदी है, हे गुरु रामदास महाराज जदों मेरे सुआस पूरे होण, मैं किसी हस्पताल च नहीं मरना चाहुंदी, मैं किसी घर दुख बीमारी नाल नहीं मरना चाहुंदी, जदों भी मेरे सुआस पूरे होण तेरे चरणों विच होण, इक्को ही अरदास है। जां मैं दरबार साहिब सुआस पूरे होण, जां शम्मा नूं उह 4 बजे सुखमणी साहिब दा पाठ बाबा दीप सिंह दे शहीदी अस्थान ते करदी सी, कहिंदी उत्थे वी इही अरदास कर, जां सुआस इत्थे पूरे होण, जां दरबार साहिब होण, दातिया मैं हस्पताल च नहीं मरना, जदों मेरे सुआस पूरे होण तेरे चरणां च होण। ते साध संगत देखो, जपण वाले अपना समां बदल लैंदे ने, पता नहीं उहदी मौत किवें कित्थे लिखी सी, उहदी अरदास ने उहदा वक्त बदल दिता। हुण 2-3 साल होए ने, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਸੀ 5:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਨਾ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੰਡਣੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਦੇਗ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੰਡਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਤਾਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੱਚੀ ਤਰੇਲੀ ਜੇ ਆਈ, ਹੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਛਬੀਲ ਤੋਂ ਬਾਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। 4th ਤੇ 5th ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਸਮਝੋ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਜੇ ਭੇਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰਮਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰੀ, ਉੱਧਰੋਂ 2 ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਰਕਾਨਾ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਲੀ 'ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ,
उत्थे सीस कटिया गया। बाद में सिखां ने जगह उत्ते धड़ दा संस्कार होया। साध संगत सीस उत्ते भेंट किया, क्यों? धड़ दा संस्कार परकर्मा विच नहीं सी हो सकता किसी दा, इसलिए बाबा जी की धड़ शहीदी अस्थान ते लियांदी और सीस जिहड़ा वह परकर्मा विच जगह उत्ते भेंट करन लई सी, वह जगह उत्ते अज अस्थान बनिया। तुसी दर्शन करदे हो यह धरती उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की व्याखी व्याख्या जिहड़ी है वह सिदकी सिखां ने की। जदों अंग्रेजां ने 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी राही हिंदुस्तान च कलकत्ते तो प्रवेश किया, उदों सब तो पहला उन्होंने इंटैलीजेंसी लाई किहड़े इलाके ते कदों कब्जा करिए। लॉर्ड डलहौजी ने एक नक्शा बनाया, इंटैलीजेंसी ने 3 महीनों में खबर दी पूरे हिंदुस्तान ते कब्जा करो पर 2 इलाके छड़ दिओ। वह 2 इलाके वह ने जिन्हां उत्ते कब्जा करना बहुत मुश्किल है, जे पहला तुसी उन्हां नूं छेड़ लिया तुसी हिंदुस्तान नहीं जित सकते। फ्रांसीसी हकूमत ने कहा किहड़ा दसण वालियां कहा तुसी महाराष्ट्र का एक इलाका है जिहड़ा शिवाजी महाराणा प्रताप उन्हां दा इलाका वजदा उहनूं मराठियां दा इलाका कहिंदे ने। कहिंदे मराठियां उत्ते हमला ना करिओ, मराठे बड़े गुरीला नीति वाले ने, मराठे बड़े तेज तरार ने, मराठे बड़े जिदी ने, जे लड़न डह पैण वह मरण तो बगैर मैदान नहीं छड़ दे। ताइयों मराठियां नूं मरहट्टे कहिंदे ने, उन्हां दा नाम रख्या मरहट्टे। डलहौजी नूं कहा मराठियां नूं ना छेड़ लिओ किते, वह मैदाने जंग विच लड़दियां जिदी बड़े ने, जे लड़न लग जाण मर के हटदे ने। डलहौजी कहिंदा इन्ने ताकतवर, लॉर्ड डलहौजी कहिंदा इन्हां तों उपर कौण हो सकदा है। दसण वालियां कहा एक कौम होर है लंबे दाड़े कशहरियां वाले गुरु गोबिंद सिंह दे सिख, उन्हां नूं खालसे कहिंदे ने। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी उन्हां नूं ना छेड़ बैठे हो, उन्हें कहा वह कौन ने, कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे खालसे। कहिंदा उन्हां दी की खूबी है, कहिंदा मराठे तां मर हट्टे मर के हट जांदे ने, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसे मरण तो बाद भी हटते नहीं, सीस बढ़न तो बाद भी लड़ते रहते। इन्नी गल सुन के लॉर्ड डलहौजी ने कहा सब तो अखीर उत्ते इन्हों वेखांगे। और तुसी याद रखो सब तो घट वक्त पंजाब अंग्रेजों के अधीन रहा, बाकी हिंदुस्तान ने सब तो वध गुलामी सही है। और जदों डर के भजे ने पंजाब के लोगों तो डर के भजे, जदों डरे ने इस गलों डरे ये सांडरस नूं चौंक विच मार देंदे ने। इन्हां दे डर तो ही पंजाब दे डर तो पंजाबियों तो डर दे अंग्रेज छड़ गए। सात संगत जिहड़ा अमेरिका ने हमला करके पिछे जे तुसीं न्यूज़ां वेखियां ने थोड़े साल पहला, जिन्हों अफगानिस्तान में जाके ओसामा बिन लादेन नूं मारिया ना अमेरिका ने, उहदी स्टेटमेंट आई है वो नैट उत्ते पई है सर्च करके कढ लिओ। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने एक चिट्टा पाउडर बनाया जिन्हों तुसीं हैरोइन कहिंदे हो, आ चिट्टा नशा कहिंदे हो। जदों उन्हें तैयार किया ना तो वो बंदे मुसलमाना पूछे वे किनू देना है, वह कहिंदा पंजाब नूं, कहिंदा पंजाब में तो मुसलमान रहिंदे हो, कहिंदा लहिंदा पंजाब नहीं, मैं लहिंदे पंजाब नूं यह नशा नहीं देवांगा, भाव पाकिस्तान वाले नूं, उधर भी पंजाब है, लेंदे पंजाब दे पंजाबियों लई नशा नहीं, कहिंदा इह चढ़दे पंजाब दे लोकां वल भेजणे, बार्डर पार करके नशा देना क्यों? वह कहिंदा साडे विचकार सिर्फ दिल्ली तक पहुंचण वास्ते एक पंजाबियों दा छोटा जिहा पंजाब विच खड़ा है, जे पंजाब विच ना होवे ओसामा बिन लादेन ने कहा मैं कलकत्ता बंगाल खाड़ी तक पूरा अफगानिस्तान बना दांगा। सात संगत जिहड़ा बंदा अमेरिका नाल पंगा लै सकदा है उहदे अंदर पावर सी इस गल दी, उहने कहा जे विच पंजाबियों दा पंजाब ना होवे मैं बंगाल खाड़ी तक अफगानिस्तान बना दांगा। यह तुहानू माण है पंजाबीओ, पर यह पता ताकत कित्थों आउंदी है? इक्को चीज़ नाल आउणी है, गुरु की बाणी नाल तुहाडे घर विच बाणे की ताकत आउणी है। बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, शब्द जपना शुरू कर दिओ, जिहदे घर विच बाणी है उत्थे गुरु का बाणा सदा रहना है। जिहड़े अमृत वेले उठणगे उस घर विच अमृतधारी सदा रहणगे,
इसलिए जिस घर में अमृत धारी है चेते रखियो ताकत तुहाडी सदा बनी रहेगी। अमृत तो कदे दूर ना जाओ, बाणी ते बाणे तो दूर ना होयो। फिर शहीदां दीआं यादां मनाईआं सफल ने, बाणी नाल जुड़ना जरूरी है। बाणी दी ताकत नाल इह पंजाब जिउंदा अज्ज। आ मोबाइलां करके नहीं, जिहड़े तुसीं आपां मोबाइल चुकी फिरने, गुरद्वारे भी नहीं बंद करदे। इह कल कलेश है सब तो वध। एक माई दा मैनूं फोन आया, उह कहिंदी भाई साहब जी 9 साल दा लड़का है, कहिंदी इक्को इक पुत्त है अजकल सारिआं दे, तुहानूं पता है बच्चे। कहिंदी हुण की करिए, इहनूं कुटिए मारीए। कहिंदी गुस्सा बहुत आउंदा, इहनूं किसी ने कुछ कीता होया। मैं उहनूं कहा वी कीता की है, करदा की। कहिंदी गमला चक के मारिआ, 60,000 दा टैलीविजन भन्नता LCD। ते मैं उहनूं कहा वी कीता किसी ने नहीं कुछ। कहिंदी फिर भाई साहब गुस्सा हटाओ इहदा किसी तरह। कहिंदी इहदे सिर ते हथ रखो। मैं कहा हथ रखण नाल गुस्सा हटदा होवे फिर तां मैनूं की है, जे ते मर्जी रखा लो, मैनूं जिहड़ा गुस्सा आउंदा उहदा करिए। उह चुप कर गई। कहिंदी नहीं भाई साहब कोई राह दसो। मैं उहनूं कहा गुस्सा इहदा नहीं है, इह गुस्सा इहदा नहीं जिहड़ा इहनूं आ रिहा, इह गुस्सा तुहाडा ही इहदे विच आया होया जिहड़ा इहनूं दुद्ध पिलाउण लग्गिआ। आ कल कलेश अंदर चलदा ना, इदां उंगल चली जांदी मोबाइल ते, इह गुस्सा तां आउंदा बच्चिआं च। मैं अपनियां भैणां नूं बेनती करांगा जिन्हां कोल छोटे बच्चे ने जां जिहड़े वड्डियां वी बैठियां, अपनियां धीआं जां नौहां नूं कह दिओ, बेनती करिओ, पुत जदों बच्चे नूं दुद्ध पिलाउणा है उदों वाहिगुरू वाहिगुरू कहणा है, पुत जदों बच्चे नूं दुद्ध पिलाउणा है उदों पहली पौड़ी दा पाठ करना है, पुत जदों बच्चे लई दुद्ध बनाउणा है उद मूल मंत्र पढ़ के दुध दी बोतल बनाई। क्यों? ये बच्चा शुरू तो शब्द नाल जुड़ जाए, जिहड़ा बाणी नाल जुड़ गया उहनूं गुरु ने बाणी नाल भी जोड़ के रखना है। ये इन्नी क कृपा जरूर करिओ। फिर ये दिन मनाए सफल ने। समा 1 घंटा समाप्त हो गया, भुल चुक दी खिमा बख्शियो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, आओ उन्हां महान शहीदां तो आपां कुरबान जाइए, बलिहार जाइए। एक पंक्ति प्यार नाल सारे पढ़ो, आपां प्रणाम कर सकीए, हाजरी ला सकीए, अरदास करिओ, पातशाह साडे बच्चिआं नूं सिक्खी दिओ, मंग के जायो, पातशाह साडे बच्चिआं नूं सिक्खी सिदक भरोसा बाणी नाल जोड़िओ।